आइए, मैं अपने गारंटी मांगी थी कि ये गारंटी दे दें, हम आपको पैसे दे देते हैं। सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया, दुबई ने भी इनकार, सब ने इनकार कर दिया। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, जो आपके साथ है आपने उनके साथ ताल्लुक नहीं अच्छे रखे तो वो आपके साथ क्या करेंगे। मैं समझता हूँ कि डॉलर को बात चाहे आप ना समझे, आप एक चीज़ तो समझते हैं ना, मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, इसको भी समझते हैं या नहीं? बिल्कुल समझते हैं। तो सर इसको कैसे खत्म? गरीब हो, जो अमीर था वो कम अमीर हो गया है, जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास हो गया, जो लोअर मिडिल क्लास था वो पुअर हो गया है। 100 रुपए की मिल रही है वो फिर हमें 20 रुपए की मिलेगी, क्या समझते हैं कि इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? सर इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। नहीं मिलाना चाहिए? नहीं जी। क्यों सर? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। इंडिया के साथ हाथ मिला लेते हैं, ट्रेड करते हैं, चीजें लेन देन करते हैं तो बड़ी सस्ती हो जाएंगी चीजें, हो जाएंगे, होना चाहिए ना ट्रेड? होना चाहिए। देखिएगा, मैंने इनको समझाया, एक समझाना चाहिए था, जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि इंडिया जब डॉलर ऊपर जाएगा, जब बाहर से डॉलर ही नहीं आएगा तो नीचे ही जाएगी। एक डॉलर की कीमत 313 रुपए से प्लस चली गई है, तो जाहिर है जब कारोबार ही नहीं होगा, जब नीचे से नीचे जाएगा रुपया तुम्हारा तो डॉलर तो ऊपर ही जाएगा। पैसा छापने से थोड़ी करेंसी ऊपर जाती है। पता है आपको एक डॉलर इंडिया के कितने रुपए बनते हैं? हाँ वो 80 रुपए बनते हैं। हाँ जी ऐसे ही है। वो देखिए कितनी स्टेबल है। इंडिया को छोड़ो, अफगानिस्तान को देख लो, इंडिया जी, बांग्लादेश, बांग्लादेश को देख ले भाईजान। जब तक काम कारोबार और जब तक डॉलर नहीं आपके मुल्क में आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। सही। जब डॉलर बाहर जाता जाएगा तो आप क्या कर सकते? फिर क्या हमें अभी इंडिया से दोस्ती कर लेनी चाहिए? इंडिया की करेंसी पर हम लोगों से डील कर लें? इंडिया से क्यों दोस्ती करें, खुद अपने हालात ठीक करें। सर दोस्ती तो हर किसी से करनी चाहिए। वो दोस्ती तो पहले ही है, कौन सी दुश्मनी पाली है? आपको लगता है कि दोस्ती में इतना सब कुछ? दोस्ती अलग है, अंदर उन मामला तो खराब है ना भाईजान। अंदरूनी मामला ठीक करने चाहिए ना सर? वो ठीक करने चाहिए ना, वो हुकूमत ठीक करे ना अपने अंदरूनी मामला, तो ऐसे थोड़ी होता है। हमें आप ऐसा आप समझ ले कि आप वजीर आजम है मुल्क के, आपके ऊपर सारा फैसला, आप क्या फैसला लेंगे? कोई फैसला हम कहाँ वजीर आजम है भैया, जो वजीर आजम है वही फैसला लेना। तो मैं आपसे चले इंडिविजुअली तौर पर पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए? सबसे ये है भैया, दोस्ती दुश्मनी कब है? क्या बिलावल साहब गए नहीं थे? मुझे आप बताएं कौन सी दुश्मनी वाला सीन चल रहा है? तो फिर कौन सी दुश्मनी? दुश्मनी होती तो वो जाते। हाँ जी। तो फिर ये जो उनसे कश्मीर को रिलेटेड बातचीत है ना, वो नहीं, वो मामला कुछ हो रहा है, वो ये तो नहीं ना, मामला कुछ वो ठीक हो सकते हैं? नहीं वो नहीं हो सकता। सर एक मिनट खड़े हो जाए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर इंडियन करेंसी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, आपको पता है इंडिया 19 मुल्कों के अंदर इंडिया की करेंसी चल रही है और इंडिया के साथ उनकी उन्हीं की करेंसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूं, अगर हमसे अपनी करेंसी स्टेबल नहीं की जा रही किसी न किसी मुल्क की, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की करेंसी को ठीक इंडिया कर देगा? सर क्या पता, आप हाथ तो बड़ा कर सकता? नहीं कर सकता। ओ भाई जान मुझे आप बताएं, अमेरिका के दादी हैं वो कर देता है? अमेरिका इंडिया से बड़ा ही है ना अमेरिका, वो कर रहा है आपके साथ ऐसा मामला कि आपकी करेंसी ऊपर जाए? हमेशा दोस्ती जो होती है ना वो पड़ोसी के साथ होती है, हमने अपने पड़ोसी को साथ बना के रखी है। हमने तो किसी से भी नहीं बना के रखी, चाइना कितनी सपोर्ट कर रहा था, चाइना के साथ कौन सी हमने बना के, जितना IMF से पैसे मांग रहे हैं वो चाइना तो मिनटों में दे सकता है इतने पैसे, आप उसके जाके क्यों नहीं तरले कर रहे? चाइना दे ही तो नहीं ना रहा। नहीं दे रहा क्यों दे भाई जान, जब आपके ताल्लुकात, जब मेरे आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे आप मुझे उधार देंगे? तो फिर बस ऐसे ही है बस, इसलिए नहीं दे रहा इंडिया भी, चाइना भी, कोई भी नहीं दे रहा। सऊदीया दे रहा आपको, दुबई भी नहीं दे रहा, कतर भी नहीं दे रहा, कोई भी देने को। तो कहते हैं आपको मांगने की आदत। आइए मैं अपने गारंटी मांगी थी कि ये गारंटी दे दें, हम आपको पैसे दे देते हैं। सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया, दुबई ने भी इनकार, सब ने इनकार कर दिया। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, जो आपके साथ है आपने उनके साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे रखे तो वो आपके साथ क्या करेंगे? तो बस ऐसे ही है भैया ना, पहले अंदरून मामला ठीक करने पड़ेंगे फिर ही आगे। बड़े लोगों का तो गुजारा हो जाता है इस महंगाई के अंदर, गरीब गुरबे का क्या? गरीब भी कर रहा, कौन सा गरीब आके सड़कों पर रोना रो रहा है? आप फिर ही रहे हैं, सबके गुजारे हो रहे हैं। गरीब का तो तब मसला पैदा होगा ना कि गरीब तो आए सड़कों पर बंद कर दे सब कुछ के भी मेरा गुजारा नहीं है। सर आप तो यूज्ड हो गए ना सारे, सबको आदत पड़ गई। वो बस ऐसे ही है, बस गरीब को भी आदत पड़ गई है बर्दाश्त करने की। कब तक चलेगा ये? चलते ही रहेगा बस, जब तक मरता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह के, आप सुनो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? अब्दुल रजाक। क्या करते हो आप? चौकीदारा। चौकीदारा कितनी तनख्वाह मिल जाती है? 20,000। 20,000 में गुजारा हो जाता बच्चों का? नहीं सर। सर फिर कैसे गुजारा होता है? सर क्या करे, मजबूरी है। हम इन हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहते हैं ना कि गरीब को सोचो, आपका नहीं सोचना, नहीं सिर्फ गरीब का सोच, गरीब को कुछ दो, सहूलत दो, ये हम कहना चाहते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि डॉलर जो है इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर
300 का चला गया, 300 प्लस का हो गया। सर जिस तरह से डॉलर ऊपर ज्यादा जा रहा है, आपको पता है कि हमसे ज्यादा स्टेबल आज अफगानिस्तान है, हमसे ज्यादा स्टेबल आज बांग्लादेश है। सर इंडिया में एक डॉलर की कीमत 80 रुपए है, पाकिस्तान में एक डॉलर की कीमत 313 रुपए है, बताइए जुल्म है कि नहीं है? जुल्म है सर, बिल्कुल सरासर जुल्म है, ये हमारा हुक्मरानों की वजह से। बिल्कुल सही, तो ये कैसे बराबर हो सकता है? ये सर सिर्फ इलेक्शन, इलेक्शन होगी ना, एक पार्टी को हुकूमत आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगी एक साल दो साल में। सर अगर आज हम इंडिया के रुपए के साथ दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं तो जो चीज़ें आज हमें 200 रुपए की मिल रही है वो फिर हमें 20 रुपए की मिलेगी, क्या समझते हैं कि इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? सर इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। नहीं मिलाना चाहिए? नहीं जी। क्यों सर? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ पर सारे लोग भूखे मर रहे हैं, एक तो मरना ही है, ऊपर से भूखे मर रहे हैं, एक हाथ मिला लेने से सर दुश्मन बाद में, पहले वो इंसान है, पहले वो हमारा पड़ोसी है, बाद में दुश्मन है। सर हाथ मिलाएंगे कोई गलत तो नहीं ना होगी सर? अमेरिका से जाकर मांगने से बेहतर है, चाइना से मांगने से बेहतर है, हम वो भी तो हमारी नस्ल में सही है ना कि नहीं? तो अगर हम उसमें से सुलह करके, अगर हम, अगर यहाँ पर लोग भूखे मरते हैं उनको बचाने के लिए हाथ मिला लेते हैं तो आज पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे सर? सर ये हुक्मरानों का काम है। मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ इंडिविजुअली तौर पर, अगर उनसे हाथ मिलाना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? मिलाना चाहिए या नहीं? मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए पाकिस्तान के लिए। मरने से अच्छा है कि दोस्ती कर ले किसी मुल्क, दोस्ती करने है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे कि आज इंडिया के अंदर आपको पता है कि आटा 25 रुपए केजी मिल रहा है और हमें यहाँ पर 160 का मिल रहा है, बताए जुल्म ज्यादा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सर इसीलिए तो कह रहा हूँ इंडिया के साथ हाथ मिला लेते हैं, ट्रेड करते हैं, चीजें लेन देन करते हैं तो बड़ी सस्ती हो जाएंगी चीजें, हो जाएंगे, होना चाहिए ना ट्रेड? होना चाहिए। देखिएगा मैंने इनको समझाया, एक समझाना चाहिए था, जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि इंडिया कोई दुश्मन नहीं हमारा, उनके साथ ट्रेड होनी चाहिए। सर जो दुश्मनी फैलाते हैं, जो नफरतें फैलाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, दुश्मनियाँ नहीं करनी चाहिए ना? नहीं दुश्मनी नहीं करना चाहिए, दुश्मनी तो नुकसान होता है, बर्बादी होता है। सही बात है। हमारे हुक्मरानों को क्या मैसेज देंगे? हम अपने हुक्मरानों को ये मैसेज देते थे अल्लाह के वास्ते गरीब का वाम के सोचो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अगर हम दूसरी किसी भी मुल्क का मुवाजना करते हैं तो हमसे तो बहुत अच्छे हैं वो, क्यों नहीं हम डॉलर को स्टेबल कर पाए? क्या डॉलर के ऊपर हमारे मुल्क का सारे हर चीज़ डिपेंड है? बिल्कुल गलत आदमी का इंतखाब किया सवाल करने के लिए, जिसको डॉलर की डी का नहीं पता, जो अपना बटवा कभी नहीं संभाल सका, वो इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस और उसकी वजूहात पर आपका क्या तबसरा कर सकता है और जनरल क्या हाल बता दे? एक चीज मैं समझता हूँ कि डॉलर को बात चाहे आप ना समझे, आप एक चीज़ तो समझते हैं ना, मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, इसको भी समझते हैं या नहीं? बिल्कुल समझते हैं। तो सर इसको कैसे खत्म? गरीब हो, जो अमीर था वो कम अमीर हो गया है, जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास हो गया, जो लोअर मिडिल क्लास था वो पुअर हो गया, जो बेचारा पहले गरीब था वो पावर्टी लाइन से नीचे चला गया, उसकी ज़िंदगी दोबार मर रहा है। जिम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार कौन है ऐसी चीज़ों का? कोई एक आदमी ज़िम्मेदार होता है? बहुत सारे अनासर इकट्ठे होकर सूरत हाल पैदा करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी पिछले एक साल की जो सूरत हाल हमारे यहाँ, जिसे आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं, वो किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बगैर ना आपकी इकॉनमी पनपती है, ना समाज पनपता है, ना कुछ और। ये हमें चूँकि इसका एक साल से बहुत बदतरीन किस्म का सामना करना पड़ रहा है, ये बाकी सारी उसके नतायज हैं। सर आज अफगानिस्तान को देख लें, हमसे ज़्यादा स्टेबल है वो, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा स्टेबल है। आज बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश हमसे अलग होकर आज जब वो पाकिस्तान को हमें इस साल में देख कर क्या महसूस करता होगा? कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश हमसे अलग होकर आज वो हमें ये हालात में देखकर आज तो वो बहुत स्टेबल है, हमसे पहले ही स्टेबल हो चुका हुआ है, और उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमसे ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हैं, और जिन इंस्टीट्यूशंस पर किसी माशरे की बुनियाद होती है, जो उसको मुस्तहकम रखते हैं, जो उसमें अमन अमान और बाकी चीज़ों की ज़मानत फराहम करते हैं, वो वहाँ हमसे पहले ज़्यादा मजबूत थे, मसलन हाई कोर्ट्स, मसलन सुप्रीम कोर्ट्स और दीगर चीज़ें, और वहाँ इस तरह की मुदाखलतें भी नहीं होती रहीं, तो वो महसूस क्या करते होंगे? ये मिक्स्ड हो सकता है, जो हमसे हमदर्दी रखते हैं उन्हें दुख होता होगा, और दूसरे कहते होंगे ठीक है हमारे साथ किया था ना, अब भुगतो। कुछ नहीं हो रहे होंगे क्या, अलग होकर अच्छा कर लिया हमने? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगरचे वो अलग होना नहीं चाहते थे, उनको हमने धकेल के अलग किया था,
ऐसी ही सूरत हाल में उनको उनका सियासी हक ना देते हुए उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया कि अब तुम अलग हो जाओ, वरना मुजीब कभी अलग नहीं हो सकता। आखिरी सवाल है सर, आज हम देखते हैं कि हमारा एक डॉलर की कीमत जो है वो 313 रुपये है, अगर हम देखते हैं इंडिया की वो 80 रुपये है। सर, इंडिया की करेंसी यूज़ करके आज 19 कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, इंडिया के जो रुपये है उस पर 19 करेंसी, 19 जो कंट्री है वो लेन देन का सामान लेन देन कर रही है अदर मुल्कों से। अगर हमें मौका मिलता तो क्या हमें इंडिया के करेंसी के ऊपर ट्रेड कर लेनी चाहिए दूसरे मुल्कों से या नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब एक पेचीदा चीज़ है जिसका मैं कोई हल नहीं बता सकता आपको, क्योंकि करेंसीज़ के साथ अपने आप को अटैच करना ये एक किसी इकोनॉमिस्ट का मामला है। मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि इसमें और भी ऑप्शंस है ना आपके पास, डॉलर के साथ अपने आप को डिटैच करके और उसको येन के साथ करें या उस रशियन करेंसी के साथ करें या कोई और ब्लॉक अगर उभर रहा है तो, क्या हमारे पास सिर्फ इंडिया ही एक ऑप्शन? मैं आपको बताता हूँ सर, दूसरी कोई कंट्री, सर मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ लेकिन ये पूरा करने के बाद, मैं पूरा करने के बाद इसको छुट्टी दूंगा आपको, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन चली है, रिजल्ट ना निकला तो फिर पूरी मेहनत का फायदा कोई नहीं है, रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ ना आपके लिए। सर, चाइना जो है, चाइना से हमने कोशिश की कि अपनी करेंसी पे करें, लेकिन चाइना ने हमें लोन देने के, क्या हमें अपने आसपास भी नहीं समझता, हम समझते हैं कि वो दोस्त है, क्या वाकई में दोस्त है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इंडिया चाहे जितना मर्जी हमारा दुश्मन है तो पड़ोसी ना, है तो एक ही रीजन से ना सर, है तो कहीं ना कहीं हम एक ही है ना, नफरतें ख़त्म करके आज उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं उन्हीं से ही, उन्हीं की करेंसी के ऊपर दोनों मुल्कों में आरामदात करते हैं, बरामदात होती है। आपको नहीं लगता कि हमारे हालात काफ़ी सेट हो जाएंगे जब एक दूसरा हाथ पकड़ाएगा तो? ये आपने बुनियादी उसूली बात की है कि नफरत की